एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, 30 डेज चैलेंज रहने वाला है। इसमें हम लोग ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। 50,000 हमारी यहाँ पे कैपिटल रहने वाली है। रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो लगभग जो है 500 से 700 रुपए का हमारा इसमें रिस्क रहने वाला है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि 500 से 700 रुपए इतना कम रिस्क क्यों? 50,000 कैपिटल है क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ हम एक लॉट ही सेल कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा जो रिस्क है वो कम ही रहने वाला है। और बाकी चीजें आप लोगों को वीडियो के अंदर पता लगने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देखना बिना टाइम वेस्ट के, चलते हैं वीडियो के अंदर। तो आज है डे वन, देखते हैं आज हमें ट्रेड कहाँ मिलती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है कि शुक्रवार वाले दिन जो है मार्केट ने एक हमें लगातार की डाउनफॉल दिखाई थी। उसके बाद यहाँ पे अगले दिन मंडे को क्या हुआ है कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है आज के दिन। और मेरा व्यू है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं जहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, तो मेरा जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके अच्छा सा एक लेवल दिखाता है तो मैं जो है यहाँ पे ऊपर की साइड के अपने ट्रेड ले लूंगी। तो हमें यहाँ पे अपसाइड का तो पता लग गया, अब डाउन साइड का भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम यहाँ पे पीई साइड में ट्रेड लेंगे, मतलब डाउन साइड में। हमें दोनों लेवल्स का पता लग गया है कि अगर ऊपर जाएगा तो कॉल लेंगे, नीचे जाएगा तो पुट लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने एक ट्रैप क्रिएट किया है। बेसिकली यहाँ पे जो है मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेक किया, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, मार्केट जो है दोबारा एक रेड कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे इसने बायर्स को इनवाइट किया और अब जो है ये वापस से इस लेवल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट जो है ये रेड कैंडल क्लोज कर देता है लेवल के नीचे तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हालांकि स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 से 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं जो अपनी पोजीशन है वो चेंज कर लूंगी नीचे की तरफ। और हालांकि देख सकते हैं कि मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी है, तो मैं जो है यहाँ पे फटाफट से अब डाउन साइड में अपनी ट्रेड ले लेती हूँ। बाकी अब देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने जो है यहाँ पे बायर्स को फंसाया है, जिसमें मैं भी फंसी थी यहाँ पे। तो अभी जो है मैंने अपनी डाउन साइड में ट्रेड ले ली है। तो मेरा जो व्यू है वो ये है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे और जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल मैं अगर आपको मेरी पोजीशन दिखाऊं तो पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसका हमारा जो है लॉस जो है वो रिकवर हो चुका है। हालांकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अभी वेट करूंगी और देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। होल्ड करेंगे अपने ट्रेड को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, 100 रुपए के प्रॉफिट में हम लोग आ चुके हैं। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मार्केट कंटिन्यूस को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास और भी अच्छे चांसेस हो जाएंगे यहाँ पे कि हाँ मार्केट ट्रेड जो है वो हमारे डायरेक्शन में ही जा रही है। तो अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ली है तो यहाँ पॉसिबिलिटीज दोनों होती है कि मार्केट जो है वो हमारे डायरेक्शन में मूव भी करेगा और कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी करता है। तो ऐसे कभी हमें डरना नहीं है कि हाय राम, अगर मेरा अभी मेरा 350 रुपये प्रॉफिट था अब वो पूरा चला गया, ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें ट्रेड में टिके रहना है। अगर आप लोग ट्रेड में टिके रहेंगे तो ही अब जो है अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आप लोग को यहाँ पे पोजीशन भी लगा के दिखा देती हूँ कि कहाँ जो है मैंने अपनी ट्रेड ली थी। तो लगभग इस लेवल के पास मैंने अपनी ट्रेड ली थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और लगभग जो है यह मैं लेने का ट्राई करूँगी 1:2। तो 1:2 कब होगा? जब मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक करेगा। मेरा जो है व्यू ये है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक करके हमें और भी अच्छे एक डाउनफॉल दिखा सकता है। तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट लेवल के पास आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट जो है वो एक सपोर्ट लेवल के ऊपर रुका हुआ है। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या, मेरा क्या व्यू था कि मार्केट लगातार ब्रेक कर रहा है, लेकिन मार्केट लगातार ब्रेक नहीं कर रहा है। जहाँ पे इसीलिए मैंने जहाँ पे एंट्री ली थी 91 पे, वहीं पर ही मैं अपने स्टॉप लॉस ले आई हूँ 91 पे ही। तो इस ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना है, वो हमारा बिल्कुल 0 है इसमें। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीखनी चाहिए आप लोगों को भी, ताकि आप लोगों का किसी ट्रेड में अगर एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो लॉस तो ना हो उसमें कम से कम। बाकी आप वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने जो है होल्ड किया अपने ट्रेड को, यहाँ पे काफी देर रुका, रुकने के बाद इसको ब्रेक कर रहा है। लेकिन मैं क्या चाह रही थी, मार्केट जो है वो इसको लगातार में ब्रेक करे, इसको लगातार में ब्रेक नहीं किया, इसीलिए मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुझे 562 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या चाह रही थी, मार्केट जो है वो इसको लगातार में ब्रेक करे, लेकिन मार्केट ने इसको वो ब्रेक नहीं किया, इसीलिए मैंने यहीं पर ही अपनी ट्रेड को एक्सिट कर दिया। यहाँ पे प्रीमियम्स में भी मेरा जो है टारगेट वो हो चुका है, मुझे मिल चुका है, और ऐसे भी मुझे मिल चुका है, तो इसीलिए मैंने जो अपने ट्रेड को एक्सिट कर दिया। काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 550 का नहीं, जो हमारा लॉस हुआ था 250 रुपये, उसका भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरीके की लगातार की मूवमेंट की बात कर रही थी कि मार्केट अगर इस तरीके की रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता तो हमें हमारा आसानी से जो है हमारा जो टारगेट था वो देखने को मिल जाता। तो यहाँ पे अब मैं एक बार अच्छे से आपको ओवरऑल और बता देती हूँ कि मार्केट ने आज बेसिकली किया क्या है। मार्केट ने यहाँ पे किया है कि मार्केट जो है वो मार्केट ने पहले ऊपर एक ट्रैप बनाया, ट्रैप बनाने के बाद जो सीई थे बेसिकली जो कॉल वाले थे उनको ट्रैप किया, यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे इसने ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद फिर जो है इसने हमें लगातार की मूवमेंट दिखाई है, वो भी डाउनसाइड में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें पता होनी चाहिए कि कैसे जो है हम यहाँ पे हमारे फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट वहाँ से कितना ज़्यादा और लगातार के इसने जो है हमें डाउनफॉल दिखाई है। तो ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो बार बार ट्रेड लेते जाते हैं, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। मैंने वो चीज़ यहाँ पे नहीं की है, मैंने वहीं पर ही अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, उसके बाद मैंने और कोई भी ट्रेड नहीं ली है क्योंकि मार्केट कल फिर खुलेगा, कल हमें और भी मौके मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी सारे चीज़ें ट्रेडिंग से रिलेटेड मिलने वाली है, तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री है, फटाफट जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिला कि जब मैं गलत थी तो मेरा जो रिस्क था वो सिर्फ 5 पॉइंट का था, और जब मैं अपना टारगेट लिया तो वहाँ कितना था हमारा 20 पॉइंट का था। तो इस चीज से क्या सीखने को मिलता है कि आपके जो लॉसेस हैं वो छोटे रहने चाहिए और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बड़े रहने चाहिए। थैंक यू।